का मतलब है कि ऊपर का पलक जो है वो झुक जाता है, वो दूसरे पलक के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे होता है और इससे आँख थोड़ी छोटी भी लगती है। ये एक पलक में हो सकता है या दोनों में भी हो सकता है। ये इसलिए होता है कि जिस मसल से आँख हमारी पलक ऊपर नीचे जाती है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, और वो पैदाइशी कमज़ोरी भी हो सकता है जिसको हम कंजेनिटल टोसिस कहते हैं, या ये बाद में किसी चोट के वजह से, इंजरी के वजह से, या कुछ बीमारियां हैं जैसे मायस्थीनिया ग्रेविस है, इस बीमारी से भी पलक झुक जाता है। अगर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है पलक तो फिर वो रोशनी अंदर नहीं जा सकती है और उस आँख की नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हमें ये सर्जरी या करेक्शन बहुत जल्दी छोटे उम्र में ही करना होता है। इस प्टोसिस का जो ट्रीटमेंट है ये ऑपरेशन के साथ ही होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जरी में हम झुके हुए पलक को उठाते हैं, सपोर्ट करते हैं, या उसी मसल को ज़्यादा ताकत देते हैं, या फिर हम दूसरे मटेरियल से उसको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अपने बदन का ही एक हिस्सा करते हैं फेशिया लाटा, या बाहर का कोई मटेरियल सिलिकॉन स्लिंग भी, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे सिनर्जी पे हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑक्युलोप्लास्टिक सर्जन्स हैं जो ये सर्जरी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं।